असलकम जी अच्छा भाई आज हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 48 और टॉपिक है जी एक एंड प्री पेमेंट्स अक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स सी नाइन वाला तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया आज सब लोगों ने छुट्टी कर ली है सही है हालांकि आज मैंने कहा था मैंने पढ़ाना है हाँ जो तो बच्चे आउट स्टेशनर्स हैं उनका तो चलो जेनवन इशू है ना टिकट्स का मसला बन जाता है ईद पे छुट्टियाँ नहीं है ईद पर टिकट्स नहीं मिलते इस तरह की वजूहत हैं उनका तो मसला नहीं जो लाहौर के थे ना बेटा ये तुम लोगों ने ना मुझे याद करवाना है ठीक है ये तुमने लाजमी याद करवाना है इनकी तो ट्रिटो पार्टी देखी मैं निकालता ये शराज है ना लाहौर का शराज कसूर के अच्छा अच्छा चलो हाँ मुर्गा बनवाऊँगा अच्छा चलें कोई नहीं हम तो इनशाला पढ़ेंगे भाई हम तो पढ़ेंगे ठीक है अच्छा बाकी जो है हाँ जैन मसले भी होते हैं टिकट्स का काफ़ी मसला होता है तो इसलिए ये वाला लेक्चर जो है ना ये भाई पढ़ाना तो है सही है लेकिन ये वाला लेक्चर जो है ये यूट्यूब पे अवेलेबल करवा दिया जाएगा सही है उधर से भाई लेके आना है सी नाइन वालों ये लेक्चर आपने लाजमी ले के आना है जो बच्चे नहीं आए उनको बता देना मैं लिंक सेंड कर दूँगा शाम तक ग्रुप में कल आ कलागे था ना लिंक हाँ आज भी इन आ जाएगा और मैसेज ड्रॉप कर देना कि लाजमी ये वाला लेक्चर ले के आना है अदरवाइज़ जो है फायदा कोई नहीं होना आज ये हमारा क्रूबल्स एंड प्री पेमेंट्स जो है ये ख़... ये कम्प्लीट हो जाओ कम्प्लीट हो जाएगा ठीक है जो बच्चे आए हैं उनके लिए ईदी है आज उनके लिए इदी है भाई इस भाई उनके लिए इदी है, है, है भाई पिछला इनाम आपके आपके हंड्रेड मार्क्स थे जी वाह वाह जी वाह ने थे। ये ले। भाई आप अहमद भाई की भी बनती है अहमद भाई की भी ईदी बनती है अहमद भाई आ आ जाए आ जाए अहमद भाई हमारे कैमरा मैन अहमद भाई आ आ जाए आ जाए अहमद भाई हमारे कैमरा मैन बड़ी एफर्ट्स करते हैं हमारे लिए जिला अच्छा जी ठीक है भाई तो बाकी भी आ जाते मेरी आज मेरा आज मेरा कंफर्म मूड था सबको ईदी देनी है नहीं आए उनकी मर्ज़ी है भाई अच्छा अच्छा भाई अब मुझे बताओ हमने ना इस चैप्टर में एक्सपेंस से रिलेटेड अगर हम ज़्यादा पैसे पे कर दें एक्सपेंस से ज़्यादा पेमेंट कर दें तो क्या बनेगा प्रीपेड एक्सपेंस और अगर कम पैसे पे करें जितना एक्सपेंस बनता था तो शाबाश एक्र्यूड एक्सपेंस बन जाएगा और इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं जितनी इनकम बनती थी उससे ज़्यादा रिसीव कर ली तो क्या बनेगा अनअर्न्ड इनकम जितनी इनकम बनती थी उससे काम रिसीव की एक इनकम ठीक है ये यही चार स्नैरियूज़ बनते हैं भाई अच्छा जी देखिएगा ज़रा अच्छा जी ये चार स्टेरिय बनेंगे भाई भाई एक बनेगा पहला हम कर लेते हैं प्रीपेड एक्सपेंस क्या प्रीपेड और भाई दूसरा क्या कर लेते हैं हम दूसरा कर लेते हैं एक्सपेंस क्या एक रियूड। भाई तीसरा कर लेते हैं इनकम के भी दो स्नेरियुव बनते हैं भाई इनकम के भी दो स्नेरियुस बनते हैं बताएं भाई इनकम और इनकम और और भाई इनकम अन भाई जितनी इनकम कमाई उससे ज्यादा रिसीव कर ली अन इनकम जितनी इनकम कमाई उससे कम रिसीव की कमाई का मतलब जितनी इनकम अर्न की सही है ये सारी चीज़ें इतने नोट्सों में लिखी हुई हैं वो एग्जाम्पल भी है मैंने एक ही एग्जाम्पल चलाई है टू हंड्रेड वाली और वन एटी वाली अच्छा भाई एक क्रीवड एक्सपेंस जितना एक्सपेंस बनता था जितना एक्सपेंस बनता था उतनी पेमेंट नहीं बल्कि उससे कम पेमेंट की ये है क्रीवड एक्सपेंस भाई एक्सपेंस बनता था 200 का हमने पेमेंट कितनी कर दी 220 की एग्री भाई साहब अच्छा भाई देखें आप मुझे कोई इसकी एंट्री बता दे प्रीपेड एक्सपेंस की आप मुझे कोई प्रीपेड एक्सपेंस की एंट्री बता दे पीरियड एंड एडजस्टमेंट जो हम कहते थे हाँ जी पीरियड एंड एडजस्टमेंट जो मैं कहता था वो ज़रा बता दे मुझे जी ये मैंने ना आपको पूरा प्रोसीजर समझाया था क्या बोला मैंने आपको समझाया था कैश बेसिस से एक अक्रूवल की तरफ चीज़ें शिफ्ट करनी हैं सही है ये मैंने पूरा प्रोसीजर समझाया था पहले मैंने कैश वाली एंट्रियाँ करके दिखाई थी फिर मैंने एक्रूवल कर वाली करके दिखाई थी कि कैश वाली होगी हैं अक्रूवल के मुताबिक होनी चाहिए अच्छा भाई मैं ये अर्ज कर रहा था कि मैंने आपको सारी चीज़ें समझाई थी कि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के मुताबिक ये एंट्रियाँ होनी है सही है और अकाउंटेंट ने कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के मुताबिक एंट्रीज कर दी हैं फिर उसके बाद मैंने ये अर्ज़ करने की कोशिश की थी आपसे अब बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के मुताबिक ये वाली एंट्रियाँ होनी है इस इस साइड पे मैंने बोर्ड पे किया था ये ठीक है फिर मैंने कहा था अब चूंकि ये होना चाहिए था अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग वाली एंट्री लेकिन वो नहीं ही तो फिर हमने एडजस्टमेंट की थी फिर हमने क्या किया था इस साइड पे हमने एडजस्टमेंट की थी सही है ये वो वाली एडजस्टमेंट्स की एंट्रीज की बात कर रहा हूँ जी प्रीपेड एक्सपेंस बता दें जरा क्या होता है एंट्री क्या होती है प्रीपेड मैंने कहा था याद ऐसे करना प्रीपेड एक्सपेंस यानी ये एसेट है एसेट या लाइबिलिटी दोनों में से एक चीज ही होनी है ना पीरियड एंड एडजस्टमेंट एसेट है भाई क्या हो जाएगा एंट्री क्या बनेगी बताएं शाबाश प्रीपेड एक्सपेंस क्या हो जाएगा प्रीपेड एक्सपेंस हो जाएगा डेबिट और और एक्सपेंस क्या हो जाएगा भाई कोई भी एक्सपेंस हो सकता है रेंट हो सकता है इंश्योरेंस हो सकता ठीक है अच्छा भाई इधर मुझे बताएं क्या एंट्री बनेगी इधर बताएं क्या एंट्री बनेगी भाई एक्रिउ एक्सपेंस का मतलब लाइबिलिटी तो लाइबिलिटी क्रेडिट तो डेबिट क्या होगा एक्सपेंस भाई ये तरीका याद रहेगा ना जी डेबिट और जी बोलने एक्सपेंस क्या होगा और भाई एक लिखा है मैंने एक शॉर्ट फॉर्म ठीक है और ठीक है ना भाई एक क्या होती है एक जितनी इनकम आनी थी वो अभी सारी की सारी रिसीव नहीं की इसका क्या मतलब है जी भाई बोले शाबाश क्या बनेगा एसेड है ना जी एक रूड इनकम डेबिट जी ट्वेंटी से और इनका एग्री मेरे भाई इनकम क्या होती है ठीक है लाइबिलिटी होती है इसे डेफर्ड इनकम भी क्यों बोलते हैं सही है ये नोट्स में लिखा हुआ है देख लेना हाँ शाबाश अच्छा भाई बताएं क्या एंट्री होगी इनकम डेबिट और मेरे मासूम दोस्तों अन अर्नड इनकम भाई नजर आ रहे ठीक है अच्छा भाई आप मुझे एक बात का जवाब दे दें एक बात का जवाब दे ये, ये 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 सारी इसी तरह चल रहे हैं इम्पैक्ट ऑन इम्पैक्ट ऑन ये मैंने एक चीज़ लिखी है इम्पैक्ट ऑन एक्सपेंस प्रॉफिट एसेड या लाइबिलिटी यही तीन चीज़ें इधर भी सेम है यही तीन चीज़ें इधर भी सेम है यही तीन चीज़ें इधर भी, भी सेम है अच्छा आप मुझे बात बताएं एक आप माशाल्लाह जहीन लोग हैं पढ़े लिखे लोग हैं इधर देखें ज़रा अगर ये वाली एंट्री मैं नहीं करता पीरियड एंड एडजस्टमेंट अगर मैं नहीं करूंगा मेरे भाइयों तो अब नहीं की नहीं की तो बताओ एक्सपेंस अंडरस्टेटेड होंगे या ओवरस्टेटेड शाबाश एक्सपेंस हो जाएंगे ओवरस्टेटेड पर रॉफिट क्या होगा प्रॉफिट एंड एक्सपेंसि एंड प्रॉफिट आर इन वर्सलीपोर्शनल भाई अगर अगर एक्सपेंस जो बीस रुपए से ज्यादा हैं ज्यादा हैं सही है तो प्रॉफिट ऑब्वियसली तो फिर कम होगा ना प्रॉफिट होगा अंडर प्रॉफिट होगा अंडर ये जो आप कह रहे थे ना मुझे समझ आ गई मैंने कहा था नहीं नहीं मुझे नहीं मुझे तसली नहीं हुई मैं समझाऊंगा आपको बातों बातों बातो में तो समझ आ गई थी सही है लेकिन तसली तो नहीं हुई थी मेरी। अच्छा भाई, मुझे बताएं, तो बताओ। अगर ये एंट्री नहीं की नहीं की यह तो हमने अपने समझने के लिए की तो भाई इसका मतलब है नहीं का मतलब होता है एसेड भी रिकॉर्ड नहीं किया और एक्सपेंस भी रिकॉर्ड एक्सपेंस को कम नहीं किया सही है एसेड को बढ़ाया नहीं है बीस रुपए से तो भाई यानी एसड क्या है अंडर भाई एग्री करते हैं मेरे साथ बात समझ आई और सीखे ना ठीक है अगली बात सुने इधर बता दें भाई इधर क्या होगा भाई इधर बता दें इधर क्या होगा भाई आपको आपको अच्छा लगता है अगर लाइनें सीधी सीधी लगी हुई ऐसे स्ट्रेट क्या आप कहते हैं यार कोई मसला नहीं है अच्छा जी अच्छा आप मुझे बता दें आप मुझे बताएं चले यार लिख देता हूं कोई मसला नहीं है यार ये लो एक्सपेंस प्रॉफिट और एसड या फिर लिख लो एक्सपेंस ओ क्या 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 भला इनकम इनकम भाई ठीक है इधर 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 क्या आएगा इधर एक्सपेंस नहीं आना इनकम के स्नैरियोज हैं भाई मेरे प्रॉफिट और और तेरी खैर अच्छा जी अच्छा भाई इधर देखें अगर गौर से गौर से अगर अगर ये वाली एंट्री रिकॉर्ड नहीं की तो इसका मतलब एक्सपेंस आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया एक्सपेंस क्या है अंडर अच्छा इस अंडरस्टेटेड को ये वाला एरो लगा दूं तो याद रहेगा आपको ये वाला एरो लगा दूं याद रहेगा देख लो यार प्रॉफिट क्या है अगर एक्सपेंस आपने रिकॉर्ड नहीं किया तो भाई तो भाई देखिए एक्सपेंस अंडर सेटेड प्रॉफिट बड़ा हुआ है इस टाइम और मेरे भाई एक्सपेंस क्या होता है लाइबिलिटी एसेट नहीं है सही है ये केस है सही है भाई तो लाइबिलिटी इस टाइम क्या है लाइबिलिटी रिकॉर्ड ही नहीं की ना तो क्या है अंडर सेटेड बेटा अंडर का मतलब ये एरो नीचे को लगाऊंगा तो अंडरसेटेड है एरो ऊपर जाएगा तो ओवरसेटेड है ये ओवरसेटेड है ये दोनों अंडरसेटेड हैं ठीक है अगर इधर देखना है तो ये ओवरसेटेड है ये अंडरसेटेड है ये भी अंडरसेटेड है ठीक है इधर बताएं भाई एकर्यूड इनकम आपका एसेट है अगर ये एंट्री नहीं की तो इसका मतलब आपने एसेट रिकॉर्ड नहीं किया एसेट इस टाइम क्या है एसेट क्या है भाई इनकम आपने रिकॉर्ड नहीं की इसका क्या मतलब है इनकम इस टाइम इस टाइम इस टाइम इनकम क्या है अंडरस्टेटेड और अगर इनकम अंडरस्टेटेड है तो प्रॉफिट भी ऑब्वियसली अंडरस्टेटेड ही होगा ना इसकी एग्जांपल ले लेना ले सौ रुपए का सौ रुपए की इनकम है पचास रुपए की चालीस रुपए की एक्सपेंस है प्रॉफिट कितना है सिक्सटी का आपने सौ की बजाय एटी की इनकम रिकॉर्ड कर ली और एक्सपेंसिस जो हैं वो क्या उसका नाम है

तो इनकम को मुझे डेबिट करना चाहिए यानी काम करना चाहिए था मैंने किया नहीं इस टाइम इनकम ज्यादा है और अगर इनकम ओवर स्टेटेड तो प्रॉफिट भी और भाई एसेट नहीं लाइबिलिटी का केस है ये ये कौन सा केस था एसेट का केस था भाई देखें लाइबिलिटी क्या है लाइबिलिटी क्या, क्या है अगर ये एंट्री नहीं की तो अंडर भाई सही है समझ आ रही इसको जरा तो थोड़ा सा देखें हजम करने की कोशिश करें इसको हजम करने की कोशिश करें जरा थोड़ा देखें जरा अगर वो क्वेश्चन पेपर में पता कैसे क्वेश्चन पूछता है वो कहता है कहानी सुनाता है भाई फलां बंदे ये काम करता है उसकी इतनी इनकम आनी थी उसने ये वाली पीरियड उसने कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कर ली सही है आप बता दें जी एकूवल के मुताबिक ये बनता है बताएं पीरियड एंड एडजस्टमेंट कितनी करनी है अगर सॉरी अगर पीरियड एंड एडजस्टमेंट नहीं की या प्रीपेड मिसाल के तौर पर प्रीपेड एक्सपेंस की एंट्री नहीं की तो बताएं ओवर स्टेटेड क्या होगा और अंडर स्टेटेड क्या होगा सही है और अगर सादा पूछ लेगा इन केस ऑफ प्रीपेड एक्सपेंस इफ एंट्री इज़ नॉट मेड सही है देन वट विल बी द इम्पैक्ट ऑन ये चीज़ें पूछ लेगा ठीक है ये देखेंगे ना चैप्टर नंबर फोर के जो क्वेश्चन दिए हुए हैं मैंने आपको उसमें देखेंगे काफ़ी क्वेश्चन आए ये वाले भई हजम हो गया ये वाला ये समझ आ गई आसान है गौर से अगर इंशाल्लाह सुन लेंगे तो ऑनलाइन वालों ध्यान से सुन लें ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं अच्छा उसके बाद मुझे एक बात बता दें ये तो सवाल मैंने ये पूछा था अगर रिकॉर्ड नहीं किया तो इम्पैक्ट बता दें अब दूसरा मेरा सवाल ये है अगर हमने पीरियड एंड एडजस्टमेंट की एंट्री कर दी और इसे प्रॉफिट एंड लॉस में भी रिकॉर्ड कर दिया और शाबाज फाइनेंशियल पोजीशन यानी बैलेंस शीट में भी रिकॉर्ड कर दिया है एफ पी में तो अब बताएं प्रॉफिट कितने से बढ़ जाएगा एक्सपेंस कितने से बढ़ेगा या कम होगा प्रॉफिट बढ़ेगा या कम होगा ऐसा लाइबिलिटी बढ़ेगी या कम होगी आप बता दें अब दूसरे नंबर पे दूसरा दूसरा इस तरह भी पूछा जा सकता कहता है प्रीपेड एक्सपेंस की पीरियड एंड एडजस्टमेंट कर दी गई बताएं प्रॉफिट प्रीपेड एक्सपेंस क्या इस प्रीपेड एक्सपेंस पे क्या इंपैक्ट आएगा इसका मतलब है एसिड जो है वो बीस रुपए से बढ़ जाएंगे अब ये नया अब अब ये नया क्वेश्चन है पहले ये था अगर एंट्री नहीं की तो इंपैक्ट बता दें अब मैं पूछ रहा हूं अगर ये वाली एंट्री कर दी तो क्या इंपैक्ट आएगा ये दूसरा सवाल है अच्छा इसका जवाब लिखें इधर लिख लें इंपैक्ट ऑन इफ पीरियड एंड एडजस्टमेंट इज नॉट रिकॉर्डेड और इधर लिखें इंपैक्ट ऑन आफ्टर आफ्टर इन कॉर्पोरेशन ऑफ पीरियड एंड बोले बोलो कहता इंपैक्ट अब ये वाला था अगर आपने रिकॉर्ड नहीं की पीरियड एंड एडजस्टमेंट कहता इधर बता दें अगर आपने पीरियड एंड एडजस्टमेंट रिकॉर्ड कर ली है तो बता दें क्या फर्क आएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे ठीक है बताएं ये रिकॉर्ड करने के बाद एसेट आपके बीस रुपए से बढ़ जाएंगे और एक्सपेंस बीस रुपए से भाई मैं लिख रहा हूं करंट एसेट्स लिख लू करंट एसेट्स विल इंक्रीज बाय विल इंक्रीज बाय रुपीज ट्वेंटी वाइल एक्सपेंस विल डिक्रीज बाय रुपीज ट्वेंटी ठीक है भाई अगले का आप खुद बता दें मुझे शाबाश अगले का आप मुझे खुद बता दें जी शाबाश बोल लें अगले का खुद बता दें भाई अगर आपने ये वाली एंट्री कर ली है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे क्या इफेक्ट आएगा भाई प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस बीस रुपए से बढ़ जाएगा और एक लाइबिलिटी भी बीस से Both liability, both expense and liability and will increase by. ठीक है जी अगले का अगले का आप मुझे बता दें आप बता दें शाबाश, इसका क्या इसका इंपैक्ट क्या होगा अगर ये एंट्री कर दी तो शाबाश इनकम इंक्रीज होगी हो और एक्र्यूड इनकम क्या होती है एसेट है ना शाबाश बोथ एसेट एंड करंट एसेट लिख दू एंड इनकम वेल इनक्रीज बाय रुपीज ठीक है आपका भी दिल कर रहा होगा छुट्टी कर लेते हैं हम अच्छा भाई आप सुने इधर ये ये अहम बातें हैं ना अहम बातें हैं है ना आप सुने कहता अगर ये एंट्री ना करते तो बताए क्या तो देखें तो कहता है सॉरी अगर ये एंट्री कर ली तो अब बताएं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या इंपैक्ट आएगा जी बताए नहीं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट इनकम बीस रुपए से कम हो जाती और लाइबिलिटी बीस रुपए से इनकम विल डिक्रीज बाय रूपीज ट्वेंटी ठीक है वाइल ठीक by... है बात समझ आई कि नहीं ठीक है भाई दो तरह क्वेश्चन आ सकता बल्कि ये भी आपसे पीरियड एंड एडजस्टमेंट की डबल एंट्री पूछ सकता वो आप कर देंगे ठीक है फिर कह सकता है बता दें फाइनेंशियल स्थे, हां स्टेटमेंट पे अगर पीरियड एंड एडजस्टमेंट नहीं की तो आपने बता देना क्या चीज़ ओवर सीटेड है क्या चीज़ अंडर सीटेड है फिर तीसरा सवाल भाई देखें ये भी पूछा जा सकता है डबल एंट्री पूछी जा सकती ठीक है फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता कि भाई बता दें क्या इम्पेक्ट बता दें फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे अगर पीरियड एंड एडजस्टमेंट नहीं की फिर कहता अगर आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इनकॉर्पोरेट कर हाँ कहता आपने ये डबल एंट्री कर दी है सही है आफ्टर इन कॉर्पोरेशन इन टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताएं इम्पैक्ट अब क्या आ जाएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे ठीक है कहता है डबल एंट्री करने के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे इम्पैक्ट क्या आ जाएगा इसकी डबल एंट्री करने के बाद ये तीनों तरह के सवाल समझ आ गए हैं आपको आसान है मुश्किल नहीं है ठीक है भाई तुम नोट नहीं कर रहे ये क्या नुकसान कर रहे है? लिखा हुआ है नोट्स पे लेकिन लेकिन देखो ये ये समरी बना दी है मैंने लिखा हुआ है नोट्सों पे नो डाउट लेकिन लिखा सारी चीजें लिखी हुई हैं कि चीज़ इंशाल्लाह लिखी होगी लेकिन देखो ये ये चीज़ नायाब है दिखने को नहीं मिलेगी आपको ये इसके पिक लो इस तरह की चीजों की भी पिक ले लिया करो ना असल में मोबाइल तो है इसीलिए कि इस तरह के अच्छे अच्छे कामों की पिक ले लें और इसे सी नाइन के जो दोस्त हमारे नहीं है, को को... हैं नलाइकों को सेंड करो उन्हें को नलाइको हैं नलाइको गाजी नलाइक शेराज <laughs> जवाद जवाद।, गाजी जवाद अर अर अरहम अहसन अरेयान हाँ इब्राहीम वो जो उधर तीन बैठते हैं ना तो पार्टी करते हैं जो हाँ तेरे साथ जो दो बैठते हैं वो किधर है इब्राहिम और, और दूसरा उस्मान, 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 उस्मान इधर से माशाल्लाह खीन भी गायब भी है इनके क्या नाम दू मैं ए बी सी डी ई एफ जी एच शर्म करो भाई ये समझ आ गई है अच्छा जी देखें अगर आपको कहा सुबह इंशाल्लाह पढ़ाना है तो इस पढ़ाना है भाई फिर ऐसे तो नहीं है अभी कह दिया मैंने

अच्छा भाई ये मैं रेस करने लगा वो नोट कर ले करना है तो कर लिए इतनी बेदर्दी से नोट किया है ना तूने इस आगे। इस तरह की चीज़ों को ना ऐसे नोट किया करो बेटा ऐसे पेज को इस तरह नहीं बट ऐसे कर लिया करो पेज ऐसे ए ऐसे ग्राफ बनाना है अच्छा जी मैं मैं रेस कर दूँ हाँ भी कर दूँ रेस कर दूँ अहमद भाई अच्छा जी अब ना ये यही सारी बातें अब आप, आप देखें जरा इधर से पढ़ लो प्रीपेड एक्सपेंस पढ़ लो यही सारी बातें इधर लिखी हुई हैं सारी बातें इधर लिखी हुई हैं ठीक है भाई एग्जाम्पल हम कर रहे हैं अच्छा ये देखें कहता है इफ ड्यूरिंग हाँ ये ये सारी बातें वो ही सारी बातें इधर लिखी हुई है एज इट इज तो भाई आप तो तैयार हो जाएगा ना इनशाला देखें ये में भी है ये दोनों चीजें लिखी हैं दोनों चीजें लिखी हुई हैं कहता इम्पैक्ट बता दें पीरियड एंड एडजस्टमेंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसकी इनकम की देख लें इनकम इज अंडर ड्यू टू विच प्रॉफिट इज अंडर स्टेटेड यही बातें हैं कहता आप बता दें इम्पैक्ट आफ्टर इन कारपोरेशन ऑफ पीरियड एंड एडजस्टमेंट एंट्री ऑफ एक्रीड इनकम भाई ये भी इधर है ठीक है सारी चीजें लिखी भी हुई हैं लेकिन आपको ये समरी बना के दे दी है ओके कल आना मुंह दो अच्छा जी अब एक चीज आपको समझानी है एक चीज मेरे भाई आपको समझानी है चलो इधर तक रेस कर रहा हूं इधर तक कर रहा बस भाई पेपर में ना एक क्वेश्चन आता है वो अक्सर पूछ लेता है कि भाई एक्सपेंस का सिनेरियो है एक्सपेंस है एक्सपेंस ओपनिंग एक्सपेंस भी आ रहा होगा और क्लोजिंग भी आ रहा होगा ये ये मैंने पढ़ाया नहीं तुमने नोट्स नोट्सों से खुद ही पढ़ ली है अच्छा उसमें कैसा फिर इजी करके आपको बता दिए अच्छा वो इजी था अच्छा कहता है एक्सपेंस का ओपनिंग बैलेंस भी है और क्लोजिंग बैलेंस भी है आपको पता ना एक्सपेंस के केस में ओपनिंग क्लोजिंग भी आते हैं सही है ओपनिंग क्लोजिंग का मतलब है एक्सपेंस का एसेट भी हो सकता है प्रीपेड एक्सपेंस प्रीपेड एक्सपेंस का ओपनिंग क्लोजिंग दोनों हो सकते हैं जारी बात है ओपनिंग होगा तो क्लोजिंग भी हो सक होगा और एक्सपेंस में एक्सपेंस लाइबिलिटी भी हो सकती है उसका ओपनिंग क्लोजिंग भी होगा और आपको पता है एक्सपेंस के केस में कैश किस साइड पे आता कैश की पेमेंट पेमेंट है ना पेमेंट किस साइड पे आती है कैश के अपने कैश के अपने अकाउंट में क्रेडिट होती है और ये वाला जो अकाउंट बनाते हैं हम प्रीपेड एक्सपेंस का या क्रीडियो एक्सपेंस का उस, उसमें उसमें किधर जाती है भाई डेबिट तो ऑब्वियसली फिर फिर एक्सपेंस जो है वो किधर जा रहा होगा वो क्रेडिट साइड पे आएगा वो क्रेडिट साइड पे आएगा ठीक है अब मैं अब देखें जरा फॉर्मेट देख लें भाई प्रीपेड एक्सपेंस का स्नैरियो है किसका स्नैरियो है प्रीपेड एक्सपेंस का स्नेरयू है अच्छा आपके पास दो मिनट है क्वेश्चन सॉल्व करके दें कहता है इन केस ऑफ प्रीपेड एक्सपेंस इन केस ऑफ पहले पहले लिखें पहले लिखें सॉरी ओपनिंग बैलेंस प्रीपेड एक्सपेंस का एनके है ओपनिंग बैलेंस ओपनिंग बैलेंस बल्कि आप खुद सोचें ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस है प्रीपेड एक्सपेंस में कहता है इन केस ऑफ प्रीपेड एक्सपेंस लिख लो क्वेश्चन लिख लो क्वेश्चन लिख लिखो पहले कहता है प्रीपेड एक्सपेंस का स्नेरियू है आगे क्वेश्चन लिखें लिखें इफ क्लोजिंग बैलेंस इज ग्रेटर देन ओपनिंग बैलेंस इफ क्लोजिंग बैलेंस इज ग्रेटर देन ओपनिंग बैलेंस देन Then, then, then. आगे दिए होंगे पेमेंट एक्सीड एक्सपेंस एक्सपेंस एक्सीड पेमेंट और तीसरा होगा नन ऑफ दी के बोथ आर इक्वल जी बताएं भाई कि कौन सा स्नैरियो आपको सही लग रहा है एक तो है लॉजिकल तरीका इसको सोचने का वो भी बताता हूँ मैं एक है हमने कैसे करना वो आपको बताऊंगा मैं जी जल्दी करें शाबाश आपका ख्याल है पेमेंट ज्यादा होगी किससे एक्सपेंस है जी आप लोगों का क्या ख्याल है यही ख्याल है कैसे पता चला आप तो भाई देखें ओपनिंग जो प्रीपेड ओपनिंग एसेट था वो कम था क्लोजिंग एसेट ज्यादा है ज्यादा है एसेट ज्यादा है इसका मतलब है आपका जितना एक्सपेंस था ना वो कम है आपने उससे ज्यादा की पेमेंट कर दी इसलिए क्लोजिंग बड़ा है इसीलिए क्लोजिंग बैलेंस बढ़ गया सही है अच्छा बाद अकात बच्चों को ना ये बात समझ नहीं आती वो कहते सर जी इस तरह लॉजिकली ना बताएं मुश्किल हो जाता है हमारे लिए ठीक है वैसे बात चाहिए अच्छा अब मुझे बताएं एक रूड एक्सपेंस का स्नैरियो है ओपनिंग बैलेंस सॉरी क्लोजिंग बैलेंस इज़ ग्रेटर देन ओपनिंग बैलेंस आप बता दें पेमेंट ज़्यादा है या फिर कैश ज़्यादा है सॉरी एक्सपेंस ज़्यादा है या कैश की पेमेंट ज़्यादा है कैसे पता चला आपकी बढ़ है ना। बढ़ है। हाँ भाई देखें हमारी लाइबिलिटी बढ़ गई है इसका मतलब है हमने पेमेंट नहीं की होगी ना हमने पेमेंट कम की होगी एक है इस तरह लॉजिकली ऐसे ए दो तीन सेकंड में भी चीज़ को सोचा जा सकता है ठीक है उधर परेशान नहीं हो जाना अगर उसने कोई अमाउंट्स लिख के दे दी है तो वो हमने एज एट इज इधर पुट कर देनी है अगर नहीं लिख के दी तो सोच लेना है अगर सोचने के बाद भी कंफ्यूजन आ रही है माइंड में तो फिर इधर देख लो भाई देखें आप गौर से गौर से गौर से गौर से सुननी है बात ये तो दिखाना है, एक मिनट एंड पे भाई दे देखें प्रीपेड एक्सपेंस का स्नेरियो है प्रीपेड एक्सपेंस का ओपनिंग बैलेंस किस साइड पे आता और क्लोजिंग अच्छा जी और भाई और भाई प्रीपेड एक्सपेंस का है एक्सपेंस में एक्सपेंस के केस में पेमेंट किधर आएगी कैश या बैंक के अपने अकाउंट में किधर जाएगी क्रेडिट इधर किधर आएगी इधर आ जाएगी पेमेंट Credit. और एक्सपेंस किधर आएगा एग्री मेरे भाई अच्छा भाई अब आपने पता क्या करना है ज्यादा क्या है ज्यादा हमने क्या रखा था नहीं नहीं हमने ज्यादा ओपनिंग को रखा था क्लोजिंग को पेपर में जो कहेगा ना ज्यादा है जो कहेगा ज्यादा है ज्यादा हम उसको रख लेंगे फिफ्टीन क्या रख लेंगे जो कहेगा ना कम है हम उसको रख लेंगे टेन और अकाउंट का टोटल कितना कर देंगे दोनों साइड्स पे पच्चीस इधर कितना वजन आएगा इधर कितना आएगा देख लो ज्यादा क्या है पेमेंट एक्सीड अब वो वेरीफाई भी कर लिया जो आपने दिमाग में सोचा था उसको आपने आधे मिनट में क्या कर लिया वेरीफाई कर लिया अब दूसरा सिनेरियो लो कहता है जी प्रीपेड एक्सपेंस का केस है और 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 सुने सुने ओपनिंग ज्यादा है किससे कलोजिंग से बना लो अकाउंट वैसे तेरा माइंड में सोचो क्या आएगा भाई एक्सपेंस ज्यादा होगा क्यों देखें आपने ओपनिंग आपका ओपनिंग ज्यादा है क्लोजिंग कम है यानी क्लोजिंग कम होने का क्या मतलब है प्रीपेड एक्सपेंस का यानी एसेड कम है ना एसेड कम हो गया आपका एसेड आपका कम हो गया एसेड कम, कम क्यों हुआ क्योंकि भाई एक्सपेंस बढ़ गया ना आपने इतने ऑब्वियसली आपने पेमेंट इतनी नहीं की आपने कम पेमेंट की इस दफा अच्छा भाई आप मुझे बताएं अगर किसी को ऐसे समझ नहीं आती तो कोई मस्ता नहीं है बताएं ज्यादा क्या है जी बताएं, बताएं शाबाश बोले बोले ज्यादा क्या है ओपनिंग ज्यादा तो कितना रखू ओपनिंग को और क्लोजिंग को कितना रखू अकाउंट टोटल कितना है तो किधर वजन किधर आना है भाई इधर कैश इधर पेमेंट आती है एक्सपेंस के केस में जी इधर तो टेन आ जाएगा और इधर एक्सपेंस जो के प्रॉफिट एंड लॉस में जाना है इधर भी और इधर भी जी कितना बताएं जी ज्यादा क्या है एक्सपेंस वेरीफाई हो गया अब मुझे आप एक स्नैरियो बता दें अपनी मर्जी से बता दें ओपनिंग ज्यादा या क्लोजिंग आप बता दें जी बोले शाबाश जी ओपनिंग ज्यादा रखना है ओपनिंग ज्यादा रखने का एक्रीव एक्सपेंस क्या होता है लाइबिलिटी बस अगर आपको ये पता ना बी डी सी डी की तरह आना फिर काम आसान है जी आप क्या आप कहती हैं कि मुझे सर बता दें ओपनिंग ज्यादा है क्लोजिंग से ओपनिंग को रखें फिफ्टीन क्लोजिंग को रखें टेन वजन सॉरी अकाउंट बैलेंस कर दें दोनों साइड पे ट्वेंटी फाइव से जी एक्सपेंस के केस में पेमेंट इधर आती है ये ना भूलना अगर कभी भूल जाओ तो सोच लेना कि कैश और या बैंक के अकाउंट में पेमेंट किधर आती है लक्ष्मी की जान या कैश या बैंक में क्रेडिट होंगी इधर डेबिट किसी और अकाउंट में डेबिट सही है बस ऐसे 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 करके समझ लेना बस इस बात को अच्छा भाई इधर वजन कितने का आएगा इधर कितने का आएगा जी बता दें एक्सपेंस ज्यादा के पेमेंट ज्यादा आसान काम है आसान है अगली बात अब इनकम पे गुफ्तु कर लें इनकम पे गुफ्तु कर लें उसमें सिर्फ फ़र्क क्या आना है भाई उधर कैश लाइबिलिटी एसेट बी डी सी डी इसी तरह आता है अनअर्ड में लाइबिलिटी है तो बी डी सी डी इधर ही आना है और एक्रीड इनकम में एसेट है प्रीपेड इधर प्रीपेड एसेट है तो बी डी सी डी इधर आना है बी डी इधर सी डी इधर अच्छा भाई लेकिन 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 उस इनकम के केस में रिसीट आती है रिसीट का मतलब क्या है रिसीट का मतलब क्या है यानी कैश या बैंक की आनिया कैश या बैंक के अकाउंट में आनिया डेबिट साइड पे आती हैं और किसी और अकाउंट में डेबिट साइड पे जी शाबाश ठीक है आप जरा देख लें गाजी गौर से ले रहा है ना लेक्चर ये वाला गाजी बोल यार शराज कुछ वाले भाई अच्छा जी आप भाई मुझे बता दो अब हम इनकम की बात कर लें जी शाबाश कोई स्नैरियो बता दो जो तुम्हारा दिल करता बताओ इनकम की बात कर ले या क्रूड इनकम की जो दिल करता इनकम का दिल करता है ज्यादा है ना बच्चे कहते हैं ज्यादा मुश्किल है पता नहीं जी अन ये अनबिलिटी है जी बता दें लाइबिलिटी का बी डी इधर सी डी इधर बताएं ज्यादा किसको रखना कम किसको रखना आप बता दें सी डी को ज्यादा रख लें ले जी सी डी ज्यादा का मतलब फिफ्टीन और कम का मतलब टेन भाई आप मुझे बताएं अकाउंट टोटल कितना ट्वेंटी फाइव एगरी के एगरी अच्छा जी अब मुझे बताएं रिसीट किस साइड पे आती है रिसीट इस अकाउंट में कैश या बैंक अकाउंट में डेबिट और इस अकाउंट में इधर आ जाएगी रिसीट पेमेंट नहीं लिख देना इधर रिसीट अब मुझे बताएं भाई इधर वजन कितना डालना पड़ेगा फिफ्टीन और भाई अगर रिसीड इस साइड पर इनकम ऑपोजिट साइड पे और ठीक है बता इनकम ज्यादा या एक कोई और स्नैरियो बता दें बस तसली हो जाएगी कोई एक और स्नैरियो बता दें इनकम का ही इनकम का क्या करना है बताओ ज्यादा क्या है इनकम का मतलब अकाउंट का का है बीडी इधर और सीडी बताओ ज्यादा किसे करना है ओपनिंग ज्यादा करें या क्लोजिंग ओपनिंग ज्यादा कर भाई ने कहा ओपनिंग ज्यादा करें ओपनिंग यानी फिफ्टीन और क्लोजिंग टेन भाई अकाउंट टोटल ट्वेंटी फाइव जी आप मुझे बताएं इनकम केस में रिसीट किस साइड पे आती है क्रेडिट साइड पे इधर आ जाएगी क्या कितने से और इधर क्या आ जाएगी इनकम जी बताएँ ज़्यादा क्या कम क्या देखें ये बात कितनी आसान हो गई है कितनी आसान बात हो गई है ठीक है एग्री हैं अच्छा भाई आप ना देखें छुट्टियां छुट्टियाँ आगे आपको पाँच सात अब जो अच्छे बच्चे होंगे पता क्या करेंगे अक्रूवल्स सारा रिवाइज कर लेंगे ये चैप्टर कितना आसान लगा है वैसे आपको ये चैप्टर कितना आसान लगा इसमें कुछ भी नहीं करना सिर्फ सवालों के जवाब आपने स्टेप्स को फॉलो करना है स्टेप नंबर वन क्या बताओ अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया जिन्हें तो लिखा ना पीरियड एंडेड या ईयर एंडेड सदा व्हाट्सएप नंबर वन का जवाब आ गया अकाउंटिंग पीरियड टाइमलाइन बना ले माइंड में अगर क्वेश्चन में ज्यादा इंफॉर्मेशन है टाइमलाइन बना ले इस पीरियड के अंदर अंदर रहना है दूसरा सवाल हम से, से रेलिवेंट कितने महीने पर टेन करते हैं यानी कितने महीने का एक्सपेंस पर टेन करता सही है या कितने महीने की इनकम पर टेन करती ठीक है ये दो ही काम है बस सवाल हल हो जाना है आपका अगर लेज़र बनाना पड़ा तो तीसरा स्टेप क्या हो जाएगा पेमेंट या रसीट लिख लें इनकम के केस में देख लें किस साइड पे आती है चाहे रही इनकम हो चाहे हो ये, ये ये ऐसे नहीं हाँ एक्सपेंस के केस में चाहे या हो हो पेमेंट किस साइड पे आती और एक्सपेंस ठीक है ओके ये आप कर लिया करोगे वो ज्यादातर यही पूछता है एक स्नैरियो देता है बताओ कहता है जी बताएं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में के, कितने का एसेट जाना सही है और कितने की इनकम कितने की इनकम जानी हो क्रिउड इनकम होगी ना और कहता है जी बताएं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में सॉरी कितने का एक्सपेंस जाना आपने देख लेना अगर ये पूछे कितने का एक्सपेंस जाना तो स्टेप नंबर टू का जवाब देना फिर आपने सही है और अगर कहे कितने बताएं एक्सपेंस में प्रीपेड भी हो सकता है क्रिउ भी हो सकता है आपने देख लेना सही है तो वो देख लोगे उस हिसाब से समझ आ जा जाएंगी चीज़ें मुश्किल तो नहीं है ये चैप्टर वैसे सही से बताएंगे मुश्किल तो नहीं लगा आपको बड़ा सिंपल सा है ये चैप्टर ना अगर आपने पहले दो स्टेप्स के जवाब अगर आपको पता चल गया ना अगर आपने सही वाली टाइम लाइन ड्रा कर ली तो कोई मस्ता नहीं होगा आपने वो प्रैक्टिस की है वो वाले क्वेश्चन जिसमें दो अमाउंट्स आती हैं कहता जी पहले रेंट इतना है क्या था पहले रेंट था फिफ्टीन थाउजेंड फिर हो गया एटीन थाउजेंड वो इस तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया आपने yes, बाकी जो कॉन्सेप्ट छोटे छोटे लिखे हैं थ्रेटिकल चीज़ें हैं जो आप मैंने कहा था एम सी पढ़ के आ जाने आपने ये वो वाले भी देख लिए हैं अगर नहीं देखे तो भाई करके आना भाई ऑनलाइन वालों और जिनको लेक्चर यूट्यूब पे देना है हमारे मासूम दोस्त आए नी सी नाइन वाले तो भाई ये आपने लाजमी तो चीज़ें पढ़ के आनी है अच्छा अब ना एक नज़र जरा देखते जाएं क्वेश्चन किस तरह के हैं भाई ये सारी चीज़ें यही लिखी हुई हैं जो मैंने इससे पहले बोर्ड रेस किया ना वो स्टेप नंबर जो मैंने कहा जी तीन तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं हर चीज़ इधर लिखी हुई है पीरियड एंड एडजस्टमेंट फिर अगर इनकॉर्पोरेट कर लिया अगर नहीं किया ये सारी चीज़ें इधर लिखी हुई हैं फिर उसके बाद ये ये मैंने बता दिया कि किस किस तरह के क्वेश्चन जो है वो एग्जामिनर इस चैप्टर से रिलेटेड पूछ सकता है ये ये देख लें ये हमने लेक्चर्स के दौरान ही कवर कर लिए हुई हैं सारी चीज़ें फिर एक कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में हमारा रह गया था कौन सा भाई ये डिफरेंट नेम्स मैंने आपको पढ़ा दिए थे पहले ठीक है ये याद रखना हाँ फिर एक चीज़ मैंने आपको ये थी ये पढ़ानी थी मैंने कहा मैं पढ़ाऊंगा क्या ऑलवेज रिमेंबर इफ ओपनिंग प्रीपेड एक्सपेंस ग्रेटर देन क्लोजिंग देन बताए जी कहता देन ड्यूरिंग द पीरियड एक्सपेंस इंकड इज ऑलवेज मोर देन द पेमेंट कहता है जी इस तरह आपने कि अच्छा कहता आप सोल्व कैसे करना कहता है सोल्व ऑल द सिनेरियोस जिससे किसी को ओपनिंग से ज़्यादा कर लें किसी का जो क्लोजिंग से ज़्यादा कर लें अच्छा कहता है जो मर्जी हो जाए आपने सॉल्व करने हैं सारे स्नैरिज बाय टेकिंग द ओपनिंग एंड क्लोजिंग फिगर्स एज फिफ्टीन थाउजेंड इधर थाउजेंड आप थाउजेंड के बगैर कर लें और रुपीज टेन थाउजेंड कहता आपने अगर ना पेपर में क्वेश्चन है आपने तजर्बे नहीं करने रहे तीन हजार कर लें छह कर लें कंफ्यूज हो जाएंगे भाई आपने पंद्रह हजार या दस हजार को यूज करना कहता इफ ओपनिंग इफ ओपनिंग इज हायर देन टेक इट फिफ्टीन थाउजेंड और क्लोजिंग एज टेन थाउजेंड कहता अगर कहता ना ओपनिंग ज्यादा है तो देखो अगर ओपनिंग ज्यादा हमने ओपनिंग को कितना लिया है फिफ्टीन और अगर क्लोजिंग ज्यादा तो हमने फिर क्लोजिंग को फिफ्टीन तो लिया इसका मतलब अगर क्लोजिंग तो, क्लोजिंग ज्यादा तो तो होगा और अगर ओपनिंग ज्यादा तो ओपनिंग फिफ्टीन तो क्लोजिंग कितना होगा ठीक है कहता है एंड वाइस वर्सा फर्दर टेक कैश पेड या रिसीट अमाउंट ठीक है बाय बाय रुपीज कितनी अच्छा ये फाइव थाउजेंड को छोड़ दें ठीक है इसको आपको पता मैंने आपको क्या करवाया मैंने अकाउंट को बैलेंस करवा दिया ट्वेंटी फाइव थाउजेंड बाकी बैलेंसिंग देख लेना किस किस साइड पे आती है अब ये हो जाएंगे आखिरी एक दफ़ा आपको तसली देने के लिए कि ये प्रैक्टिस भी आपने करनी है ऐसा ना कि बस जी अब टिटो पार्टी शुरू हो गई है बस अब ये देखें धर इधर आए अब ना अब ये सारे स्नैरियोज जो हैं ये जितनी हमने बातें की तो अप्रूवल कॉन्सेप्ट याद रखना अप्लाई होता है रेवेन्यू एक्सपेंस एस लाइबिलिटीज सही है सारों भी होता है मैचिंग कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है इनकम एंड एक्सपेंसेस। वो एसेट्स और लाइबिलिटीज पे अप्लाई नहीं होता मैचिंग कॉन्सेप्ट किस पे अप्लाई होता है याद रख लें याद रख लें इनकम एंड एक्सपेंसिस पे अच्छा ये ना एक ये देखें ये स्नैरियो आगा कहता व्हाट वट इज द इम्पैक्ट ऑफ प्री पेमेंट इफ नॉट रिकॉर्डेड इन द फाइनेंशियल अगर वो डबल एंट्री रिकॉर्ड ही नहीं की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो कहता है उसका इंपैक्ट बता बता दें बता देंगे हाँ जी ये आप देख लीजिएगा नेट प्रॉफिट प्रॉफिट का मतलब ही है ठीक है इसी तरह के और भी होंगे इधर काफी कहता है वट इज द इम्पैक्ट ऑफ प्री पेमेंट ऑन एक्सपेंस नेट प्रॉफिट एंड एसेट्स ऑफ आ बिजनेस ठीक है ये देख लें क्या कहना चाह रहे हैं वॉट इज द इम्पैक्ट ऑफ प्री पेमेंट भाई कहता है एक्सपेंस नेट प्रॉफिट भाई अगर आप प्री पेमेंट प्रीपेड एक्सपेंस की बात कर रहे हैं अगर आप ये रिकॉर्ड नहीं करते अगर आप सॉरी अगर आपने रिकॉर्ड कर लिया इम्पैक्ट इम्पैक्ट का मतलब अगर आपने रिकॉर्ड कर ब्रैकेट में बेशक लिख लें आफ्टर इन ऑफ डबल एंट्री तो भाई फिर इसका मतलब क्या एक्सपेंस कम हो जाएंगे नेट प्रॉफिट बढ़ जाएगा और एसेट्स इंक्रीज हो जाएंगे ठीक है भाई देखें ना इम्पैक्ट इसका क्या होगा फिर ये वो दूसरे वाला सवाल है एक है आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया एक है कि इधर इधर साइलेंटली क्या पूछना चाह रहा अगर आपने इसको रिकॉर्ड कर लिया तो इसका इम्पेक्ट बता दें इस स्टेटमेंट को मज़ीद क्लियर करना चाहिए था वैसे कि इम्पैक्ट किस चीज़ का रिकॉर्ड एक, एक मिनट बस रिकॉर्ड ना करने का करने का आप आप देख लें आप इधर लिख लें आफ्टर इन ऑफ डबल एंट्री ये नीचे वाला भी ये सेम है भैया इस तरह के क्वेश्चन कर लो ये ये देख लें कहता है इन केस ऑफ ए क्रियूड इनकम इफ क्लोजिंग बैलेंस इज ग्रेटर देन ओपनिंग बैलेंस देन विथ स्टेटमेंट इज करेक्ट कर लोगे कर लेंगे ना अच्छा जी ये देख लें विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर ए क्रीड एक्सपेंस ये कर लोगे ये भी ये ये भी वही है इनक्रीज डिक्रीज कहता है इन केस ऑफ अंड इनकम इफ ओपनिंग इज लेस देन क्लोजिंग बैलेंस देन

और ओवरस्टेट लाइबिलिटी इस पर अच्छा इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसे आपने कर देना है तो नहीं इस पर अप्लाई होने का मतलब ये नहीं है कि इनको अलाउ है कि एसेट को अंडर स्टेट कर देना ये अलाउ नहीं है लेकिन प्रूडेंस कॉन्सेप्ट असल में बात किसकी कर रहा है इनकम और एसेट्स को आपने ओवर स्टेट नहीं करना लाइबिलिटी तो एक्सपेंसिस को अंडर स्टेट नहीं करना भाई डबल एंट्री सिस्टम कैन बी अप्लाइड वो दोनों तरह की दो, दो, दोनों दोनों किस्म की कैश बेसिस में भी तो डबल एंट्री होती है ना होती कुछ और हो है लक्ष्मी की आनिए जानियों की बेस पे होती है क्रूल में ऐसे नहीं होता ये मैचिंग कंसेप्ट देख लेना क्या कह रहा है ये सारी वही चीजें हैं भाई सारी वही चीजें हैं भाई अब कर आएंगे ये सारे ही ये जितने एम सी क्यूज हैं जितने क्वेश्चन हैं एक सो एक सौ दो दो तीन है इसमें हंड्रेड है ये पढ़ते जाएंगे होते जाएंगे इन नोट सारे पढ़ आएंगे सारी वही बातें छोटा सा चैप्टर है यार ये आसान सा चैप्टर है कर आएंगे भाई भाई अब जो जो लेक्चर इन्होंने जो छुट्टी पे हैं ये आप देख लें आप लोगों के लिए यूट्यूब पे लेक्चर रखवा रहा हूँ मैं कल भी रखवाया आज भी तो अब लाजमी आप लोगों ने जो है वो लेक्चर जो प्रिपेयर करके आना है ठीक है चले जी चले ठीक है जी ये हमारा वाइंड अप हो गया अगर आपको कोई क्वेश्चन होगा तो इनशाला वो डिस्कस कर लेंगे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है डबल अकाउंट सिस्टम हमने सिंगल अकाउंट सिस्टम पढ़ा ना जिसमें एक्सपेंस भी आता है एसेट भी आता है लाइबिलिटी भी आती इनकम भी आती लाइबिलिटी भी आ जाती एसेट भी आ जाता इनकम के पांच सात मिनट में, में, बता, सा, में बता दूंगा आपको ठीक है अगर आपका तो चैप्टर बिल्कुल क्लोज है ठीक है जी चले जी आपसे होगी मुलाकात फिर और आज का लेक्चर हो गया खत्म फिर से मुराद क्या है ट्रिटो पार्टीज कर लेटो पार्टीज छुट्टी अभी आपकी इंशाल्लाह उसके बाद मुलाकात होगी अल्लाह तक में रखें सेहत दें आपको और क्या उसका नाम है पढ़ने की भी तफ़ीकद तो फरमाई आपको ठीक है चलें जी अल्लाह हाफिज़ भैया